हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको भैणु पीर की यात्रा कराने जा रहा हूं। तो देखिए, दोस्तों, हमारे बचपन में घर से भैणु पीर के लिए पैदल जाना पड़ता था। उसमें सड़कें नहीं थी, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो मंदिर तक गाड़ी जाती है। अब तो बहुत ही सुविधा हो गई है। खूबसूरत वादियों में बसे हुए गांव ऐसे लगते हैं जैसे जन्नत है। लेकिन पहले के दौर में इन लोगों को बहुत सी मुश्किलें उठाना पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम ना तो सड़कें थी, ना इतना पैसा था, और सारा सामान अपने सिर के ऊपर उठाकर ले जाना पड़ता था। लेकिन आज के समय में ये लोग जन्नत में जी रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, भैणु पीर के लिए वीरवार को चुना गया है। इस दिन यहाँ पे बहुत ही रश होता है और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी होती है। दोस्तों, अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे पीर बाबा की समाधि है। दोस्तों, यहाँ पर मान्यता है कि जब जब किसी की नई शादी होती है तो अपना सेहरा भैणु पीर में चढ़ाया करते हैं। दोस्तों, अब हम मंदिर की परिक्रमा करेंगे। We'll be right back.
दोस्तों, मान्यता के अनुसार यहाँ की एक परंपरा है, जब कोई मन्नत करता है और मन्नत पूरी होने पे ध्यान लगदाता पीर के नाम पे तीर जोड़ी या चार जोड़ी की कुश्ती कराने की मन्नत करता है तो यहाँ पे वो कुश्ती कराई जाती है। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से ये मैं आपको मंदिर से नीचे का व्यू दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।